हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा चर्चा का टॉपिक है वो है पीएम इंटर्नशिप योजना। आज इस योजना के बारे में हम सभी आवश्यक तथ्यों को जानेंगे। मैं हूं विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं साहित्य भवन का यूट्यूब चैनल। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं पीएम इंटर्नशिप योजना, यह योजना चर्चा में क्यों है। इस योजना की घोषणा जो है वो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण 2024-25 में की थी। इस योजना के अंतर्गत क्या है, 21 और 24 वर्ष के युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने का लक्ष्य रखा गया है। अब कितने साल के युवा होने चाहिए, 21 से 24 वर्ष के युवा होने चाहिए और प्रतिवर्ष 1.25 लाख लोगों को, 5 वर्ष में जो है 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने रखा है। और इसके लिए केंद्र सरकार ने कितनी धनराशि का आवंटन किया है, तो इसके लिए केंद्र सरकार ने 800 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन किया है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, अर्थात 21 से 24 वर्ष के कौन से युवा जो है वो इस इंटर्नशिप योजना में भाग ले सकते हैं, तो हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, ITI, डिप्लोमा या स्नातक, अर्थात हाई स्कूल से ऊपर के जितने भी युवा हैं वो इसके अंदर आवेदन के पात्र होंगे। आवेदक को जो है भारत का नागरिक होना अनिवार्य होना चाहिए, पूरी तरह से रोजगार न मिला हो और पूर्णकालिक शिक्षा में लगा हो, यह भी इसकी पात्रता रखी गई है। परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और परिवार का कोई भी सदस्य जो है वो सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। अब इस इंटर्नशिप योजनाओं में क्या वित्तीय सहायता मिलेगी, तो इस इंटर्नशिप योजना में केंद्र सरकार जो होगी वो 5,000 रुपये प्रतिमाह देगी, जिसमें 4,500 रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिए जाएंगे और 500 रुपये जो है वो कंपनी अपने CSR फंड से देगी। 6,000 रुपये जो है वो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से कंपनी मामलों का मंत्रालय देगा और पीएम जीवन ज्योति बीमा तथा पीएम सुरक्षा योजना का भी इंटर्नशिप के अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। अब किस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, तो इसका पोर्टल जो है वो pminternship.mci.gov.in पर जो लोग भी आवेदन करना चाह रहे हैं इंटर्नशिप योजना में वो इस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं और यह पोर्टल खुल गया है और इस पर आवेदन प्रारंभ हो गई है। 12 अक्टूबर से प्रशिक्षुओं के लिए यह पोर्टल खुला रहेगा और 25 अक्टूबर तक यह पोर्टल जो है इस पोर्टल पर प्रशिक्षु जो है वो आवेदन कर सकेंगे। चयन जो होगा वो 27 अक्टूबर से 7 नवंबर 2024 को कंपनियां जो हैं वो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेंगी। इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और एक GK एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रतियोगिता साहित्य की करंट अफेयर्स हिंदी मासिक पत्रिका का अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।